कपिल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर सेक्स रैकेट में शामिल होने का आरोप लगाया। दिल्ली विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड है, प्रधानमंत्री को आईएसआई का एजेंट कहा। तो कहीं ना कहीं भाजपा के लोग कपिल मिश्रा जैसे नफरती चिंटू से डरे हुए थे, उसके सम्मान में कपिल मिश्रा को खुली छूट दे दी गई। पापा तो दंता बजला है, पापा का तो दंता बज रहा है, अब इनकी ढोल फूट गई तो कहते हैं आंतरिक मामलों में ध्यान। तो भैया हाउडी मोदी प्रोग्राम क्यों कराया आपने अमेरिका में जाकर? जो लोग सही बात बताते हैं उसको ये गद्दार कहते हैं, उसको देशद्रोही कहते हैं। ठीक रावण कौरव और कंस के बारे में आपने देखा होगा। हम इस वक्त मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर में और तमाम तरीके की बातें आपने सुना होगा। जिस तरीके से कृषि जो मंत्री है वो बोल रहे हैं कि काला कानून में क्या है, किसान उनको समझा नहीं पा रहे। पंकज जी, कृषि मंत्री को समझा नहीं पा रहे किसान की काला क्या है कानून में? अब ये तो वो लोग हैं जो लोग कह रहे हैं हर बुराई को अच्छाई में प्रतीत करते करते देश को गड्ढे में ढकेल दिया। आप उनसे पूछिए, वो 70 सालों का हिसाब मांग रहे थे कि देश में जो लूटपाट हुई उसका हिसाब मांग रहे थे, और ये 6 साल देश नहीं संभाल पाए। ये तो हम शुक्र करते हैं अपने पूर्वजों का जो इनको सत्ता में नहीं आने दिया, नहीं तो देश का क्या हाल होता ये आप उम्मीद कर सकते हैं। अगर ये समझा पाते इनके नेता, जो टीम के कैप्टन हैं नरेंद्र मोदी जी, जो मुखिया हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर सिर्फ जसोदा बेन जी को समझा दिया होता तो बेचारी की भरी जवानी घुट घुट कर मरने को विवश नहीं होती। जिसकी मांग में सिंदूर भरा अपनी धर्मपत्नी को नहीं समझा पाया, जो अग्नि के साथ फेरे साथ जन्म के वादे कस्मे खाए, वो जब उनको नहीं समझा पाया, एक पल सुख नहीं दे पाया, तो वो आदमी देश के किसानों के हित की बात करता है? और देखिए, पहले के राजा महाराजा भान रखते थे, अब देश के दलाल मीडिया के जो पत्रकार हैं, जो पत्तल चाटने का काम करते हैं, राहत इंदौरी जी की वो बातें याद आती है आज। राहत इंदौरी जी बहुत अच्छे शायर थे और वो बात बात में ही देश के प्रति इतनी बातें बोल जाते थे, उनकी प्रासंगिकता आज भी है। राहत इंदौरी जी ने कहा था, कल जो दरबदर थे वो दीवारों के मालिक हो गए, मेरे सब दरमान दरबारों के मालिक हो गए, लफ्ज़ गूंगे हो चुके, तहरीर अंधी हो चुकी, कि जितने मुखबिर थे वो अखबारों के मालिक हो गए। वाह, ताली बजा दो। आप देखिए कि आज जो मीडिया के लोग राहत इंदौरी जी की ये बातें आज हकीकत में नजर आ रही है, क्या कर रही है, इनको यही नहीं समझ में आ रहा है। लगातार देश में जब से मोदी सरकार आई मीडिया ने अपना असर इस तरीके से खोया, जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में उतना भाजपा की सरकार में देश के, चाहे वो प्रिंट मीडिया, ऑनलाइन मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबका असर गिर गया है। आप देख लीजिए, जब जेएनयू में छात्रों को मारा पीटा जाता है तो आईसी घोष, जो जेएनयू की स्टूडेंट लीडर हैं, कोमल शर्मा जो एबीवीपी भाजपा का छात्र विंग कि वो रही हैं, वो अपने साथियों के साथ बिजली काट दिए जाते हैं, नेट बंद कर दिए जाते हैं रात के अंधेरे में। कपिल गुज्जर आपने देखा होगा, जामिया के शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में जाके वो फायरिंग करता है। दिल्ली में जब शाहीन बाग में आंदोलन चल रहा होता है तो जानबूझकर बदनाम किया जाता है। कौन है, कपिल मिश्रा पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई, अनुराग ठाकुर, प्रवेश, साहिब सिंह वर्मा पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? तो यही काला जो है, ये कहावत है, मुँह में राम बगल में छुरी। ये लोग दिन के हरे हरे रात के गहरे गहरे, साधु का बेस, भगवा वस्त्र को बदनाम करने वाले लोग हैं। भारत के कण कण में राम और कृष्ण बसे हुए हैं और कृष्ण ने क्या कहा था, नर ही नारायण है। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि किसान जो है ईश्वर का सहायक होता है, किसान राजा से बड़ा होता है, राजा सिर्फ अपने राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। फिर आप देखिए, किसान आंदोलन को लगातार बदनाम करने के लिए किस तरीके का प्रोपेगेंडा देश की मीडिया चलाती है, भाजपा आईटी सेल के लोग चलाते हैं। फिर 26 जनवरी की घटना, भाजपा सोची समझी राजनीति के तहत जिस तरीके से करवाकर किसानों पर बल प्रयोग करना चाह रही थी, उसके बाद जब विदेशी कलाकारों का जब आत्मीय संवेदना जगा, उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान में एक बार फिर तानाशाही की सरकार जबरन लोगों को, वहाँ की आवाम को कुचल रही है, यही अगर कलाकार नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में कहते तो कहते पापा तो दंता बजला है, पापा का तो दंता बजला है, अब इनकी ढोल फूट गई तो कहते हैं आंतरिक मामलों में ध्यान। तो भैया हाउडी मोदी प्रोग्राम क्यों कराया आपने अमेरिका में जाकर? हिंदुस्तान का पैसा वहां जाके खर्च करें,
पूरी विदेशों में ट्रंप के लिए वोट मांगे, तो ये उनका आंतरिक मामला नहीं हो। अगर किसानों के सम्मान में मानवीय संवेदना रखते कोई विदेशी कलाकार अगर किसानों के आंदोलन को अगर सही को सही बोलता है तो उस पर वो टिप्पणी करते हैं। कपिल मिश्रा ने भी ट्वीट करे हैं, आपने देखा होगा दिल्ली दंगा से पहले जैसे रागिनी तिवारी है कपिल मिश्रा मैदान में आ गए थे, तो अभी फिर से ट्वीट करे कपिल मिश्रा, उनके लिए कुछ कहना चाहिए? देखिए कपिल मिश्रा सब कौन है, बरसाती मेढक है जो ट्रैक्टर करता है, भाजपा का पेट वर्कर है। आप समझिए जिस कपिल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर सेक्स रैकेट में शामिल होने का आरोप लगाया, दिल्ली विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड है, प्रधानमंत्री को ISI का एजेंट कहा, तो कहीं ना कहीं भाजपा के लोग कपिल मिश्रा जैसे नफरती चिंटू से डरे हुए थे, उसके सम्मान में कपिल मिश्रा को खुली छूट दे दी गई। किसके संरक्षण में कपिल मिश्रा दिल्ली में दंगे करवाया, उस पर कार्रवाई नहीं हुई, जो जज संज्ञान लेने की बात की उल्टा उस जज को फंसा दिया गया। ये वक्त, ये किसान आंदोलन पूरी देश को बचाने की लड़ाई है और पूरा देश जाग चुका है, पूरा देश समझ चुका है कि सत्ता में बैठे हुए लोग उन भेड़ियों की तरह हैं जो अपने मुल्क को लूट रहे हैं। तो मोदी जी कह रहे हैं कि एक फोन कॉल्स की दूरी पे है, तो फोन कॉल्स कौन करेगा सर? फोन कॉल करने में कितनी दिन लगता है आप बताइए ना, आज 17वां दिन है, कोई नंबर तो जा, वही बात तो कह रहे हैं पत्रकार महोदय, जब प्रधानमंत्री जी सदस्यता अभियान के लिए टोल फ्री नंबर जारी करते हैं, जब भाजपा CNRC के नंबर करता है, नंबर जारी करता है, कोरोना आपदा जब 31 दिसंबर को WHO ने कहा, प्रधानमंत्री जी तब तक चुप्पी साध रखे थे जब तक दिल्ली में चुनाव संपन्न नहीं करा लिए, रंगा बिल्ला ने दिल्ली के घर घर जाके पर्चे बांटे थे, फरवरी में नमस्ते ट्रंप, बताइए कितने खर्च कर दिए, हजारों टन सब्जियां उनकी स्वागत में खर्च कर दिए गए, सजावट में सी जिनपिंग के साथ झूला झूले, तमाम तरह की बातें। 23 मार्च तक जब तक व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार मध्य प्रदेश में 22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्ठा बिठा दिया, तो जो भाजपा 40 साल पूरा होने पर जहां कोरोना आपदा में देश के लोगों के लिए अस्पताल की जरूरत थी तो क्या की, ताली थाली बजवाई, ढोल नगारे बजवाए, अब समझिए उसके बाद दिया टॉर्च मोमबत्ती, 5 अप्रैल को उनका 40 साल पूरा हुआ, अब देखें कि कोरोना आपदा में क्या किया जाए, तो दिया टॉर्च मोमबत्ती जलवा दिए लोगों से, फूल बरसवा दिए, तो उनको क्या किसानों के लिए आत्मीय संवेदना नहीं है? आज कितने दिन हो गए, 70 दिन के आसपास होने को है, दो कदम लगता है, आपने कहा, आप समझिए आपने कहा एक कॉल, यहाँ तो मन की बात होती है पति पत्नी में, आप मैरिड होंगे तो आपको पता होगा कि आपके पति आपके बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, एक नारी के लिए पति ही सर शादी के बाद सब कुछ है, और शादी से पहले पिता माता पिता। तो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, अभी बंगाल में था फिर अभी आसाम पहुंच गए, ये कौन लोग हैं आप समझिए ना, इनको देश की जनता से काफी सरोकार रहा, जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था इनका एक ही फार्मूला है, अपना काम बनता भार में जाए जनता, जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था 1941 में मुस्लिम लीग के फजाउल हक के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी वित्त मंत्री बने बंगाल प्रांत में, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की, वहाँ लाखों की तादाद में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के खून के प्यासे हुए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को चलने की बात की, 1943 में गुलाम हुसैन अहमदउल्लाह खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई, अखंड भारत को खंड खंड किया, लाखों हिंदू मुसलमान आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हुए और देश अखंड भारत खंड खंड हुआ। फिर ये वसी सांप के बच्चे हैं जो सपोले के बच्चे जो आज़ादी के समय देश को जितना क्षति पहुंचाए, आज आज़ादी के बाद 52 साल तक अपने कार्यालय पर झंडा नहीं फहराया। सर जिस तरीके से पत्रकारों के ऊपर FIR हो रहा है उस मामले में आप कुछ कहना चाहेंगे? इस तरीके का FIR होते रहेंगे क्या, पत्रकार अपनी जिम्मेदारी को, जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से नहीं निभा रहे जैसे लोग बताते हैं, क्या सोशल मीडिया जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए यहाँ पहुँचते हैं लेकिन ऐसे पत्रकारों के ऊपर FIR हो जाते हैं? सिर्फ पत्रकार ही नहीं, सरकार से जो भी सवाल पूछता है, ये सरकार रावण कौरव और कंस की तरह दम्भी अहंकारी है, जो लोग सही बात बताते हैं उसको ये गद्दार कहते हैं, उसको देशद्रोही कहते हैं। ठीक रावण कौरव और कंस के बारे में आपने देखा होगा, मैं फिर से नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहता हूँ, बेवजह सताए 3 गए राज धर्म और वंश, मानो मेरी बात नहीं तो देख लो रावण कौरव और कंस। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हमारा क्या है, न घर बसा आप मेरा, न घर बसने देंगे आपका, ये इसी फार्मूले पर काम कर रहे हैं, उनका घर बसा ही नहीं तो दूसरे का घर कैसे बसने देंगे, वो इसी बात की। देखिए
महर्षि वशिष्ठ ने रामायण में कहा जो निसंतान होगा वो लोक कल्याण की बातें नहीं करेगा। मंदोदरी ने कहा कि राजा के अहंकार का प्रजा को भोगना पड़ता है, तो इनको जसोदाबेन भी कहने वाला नहीं है ना, भरी जवानी छोड़ दिए, इनको कौन समझाएगा, इनकी तो मंदोदरी पहले ही भरी जवानी में चली गई, तो वो कैसे देश के बारे में सोच सकती है।